अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अध्यक्षता में खंड स्तरीय बैंकर समिति बीएलबीसी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से जिला अग्रणी प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया उज्जैन से संदीप अग्रवाल उपस्थित हुए। सेशन की महत्वपूर्ण हितग्राही मूलक योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सहायता समूह के बैंक लिंकेज तथा बैंकों द्वारा संचालित विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। श्री अग्रवाल द्वारा सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही बैंकों को 31 मार्च 2023 तक शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश एसडीएम द्वारा दिए गए। पूर्ण होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि महिला को हटाया गया, भगाया गया या बोला गया कि आपको कल आओ परसों आज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह चीज़ों को हम लोग को अवॉइड करना है और किसी भी तरह की कंप्लेंट्स को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश आप लोगों से यही रहेगी कि निवेदन रहेगा कि आप लोग इस तरह की कंप्लेंट्स ना लेते। वैसे तो सर नागदा में अभी तक किसी तरह की कंप्लेंट्स नहीं, सर ये योजना में जगह जगह कैंप आयोजित हो रही है। जैसे चार जिन पे केसीसी पे चढ़ा हुआ है लैंड और उसके बाद वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो गई लीगल हैंड्स में या फिर उन्होंने बेच दी किसी को, तो उसमें अगर केस एनक्लियर हो गया हमारा तो फिर हम ना आरआरसी जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हमने लेटर भी लिख रखा है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और उस पर कुछ स्टेप्स आगे नहीं हुआ, तो वो बीएलबीसी किस तरह से हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी चार पाँच अकाउंट्स में दिख रहे हैं, जाते में भी हो सकते हैं। चार्ज के साथ अभी भी उसमें प्रावधान है कि वो बेच सकता है कस्टमर, उसको कहीं से रोका हुआ नहीं है। हम लोगों ने उसकी गहन स्टडी किया था पिछले साल और जो यहाँ का लैंड एक्ट है उसको अगर आप पढ़ेंगे ना, तो यदि वो चार्ज क्रिएटेड है तो वो चार्ज नेक्स्ट आदमी पर ट्रांसफर हो जाएगा और चार्ज के साथ वो लैंड बेच सकता है। लैंड बेचने की कोई रोक नहीं लगेगी, नामांतरण नहीं होगा, नामांतरण नहीं होगा। तो क्या है कि ये समस्या तो है, ऐसे केसेस में हम लोग एसडीएम सर की मदद ले सकते हैं। तो आप लिस्ट बना करके हमको दे दो। कई जैसे तराना ब्लॉक में, पटनगर में हमारे एसडीएम सर लोगों ने इसमें हेल्प भी किया है, उन्होंने वहाँ से नोटिस भी भेजा है और उनको एक एटलीस्ट एक ये लेटर दिया है कि यदि आप इसमें यूज करोगे या आपने जो एफिडेविट दिया है उसमें आपने हमें बताया था कि बैंक से हमारा कोई भी तरह का चार्ज नहीं है और ये आपने झूठी खबर दी है, आपकी रजिस्ट्री हम निरस्त करते हैं। भविष्य में भले ही करें या ना करें लेकिन एक लेटर हम वहाँ से आपका इशू करवा देंगे सो दैट आपकी एक रिकवरी होने का चांस बन जाए। ये बैठक अग्रणी जिला बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित ये क्वार्टरली बैठक होती है जिसको बीएलबीसी बैठक कहते हैं। ये यहाँ पर जो ब्लॉक के विकास का खासकर के जो भी बैंकर्स रहते हैं हम उनकी बैठक करते हैं। हर 3 महीने में समीक्षा बैठक होती है कि जिले में जिस तरह की भी योजनाएँ केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो भी कस्टमर ओरिएंटेड हम लोग स्कीम चला रहे हैं उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी प्रोग्रेस रिव्यू करते हैं। इसी संबंध में ये बैठक थी आज नागदा की, हमारी शहर की और नागदा के आसपास की जो भी ब्रांचेस यहाँ हैं उनकी शाखा प्रबंधक यहाँ पे उपस्थित हैं और बैठक में हमारे माननीय सीएम साहब भी उपस्थित थे और सीएमओ साहब और
दूसरे डिपार्टमेंट भी यहाँ पे मौजूद थे और इस बैठक का मेन यही उद्देश्य था कि हम लोग बैंकर्स की समस्या और डिपार्टमेंट की समस्या को इस मंच के माध्यम से समझें और उसको सुलझाएं और उचित। सर, शासकीय योजनाओं का लाभ जो बैंकों के द्वारा होना चाहिए तो उसमें प्राइवेट बैंकों द्वारा तो निभाया जा रहा है, मतलब उनके जो दायित्व है, लेकिन सरकारी बैंकें जो हैं स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये पूरा टारगेट पूरा नहीं कर पाती, इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है, हमने जैसे कि शुरुआत में बताया था कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा 7,900 करोड़ का एक वित्तीय वर्ष में लोन देने का, ये हम लोग हर साल अचीव कर रहे हैं और ये सभी बैंकों का इसमें योगदान रहता है, प्राइवेट सेक्टर का भी रहता है, पब्लिक सेक्टर बैंक का भी रहता है। हर की अपनी वो होती है, चैलेंजेस होते हैं हर बैंक के, कि कोई किसी स्कीम में बहुत अच्छा होता है, कोई किसी स्कीम में बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लोग मिलजुल करके बहुत अच्छा काम करते हैं। और सरकारी बैंकें जैसे हमारी उद्यम क्रांति योजना है, PMGP योजना है, दूसरी योजनाएं हैं, इसमें PM योजना है, इसमें बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। और प्राइवेट बैंक में भी अभी HDFC बैंक वगैरह कुछ बैंकें उभर के सामने आई हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में समूह के माध्यम से अच्छा लोन कर रही है। सर, हितग्राहियों को परेशान किया जाता है कागजात के मामले में, किसी भी मामले में शासकीय बैंकों में अधिकतर चक्कर लगाए जाते हैं। परेशान करने का नहीं रहता है, मूल उद्देश्य ये रहता है कि हम कस्टमर्स को समझा दें कि एक बार में वो पेपर्स ले आए, लेकिन कई बार पेपर्स में कुछ कमियाँ होती हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स को उसको दूर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र है या किसी तरह का लैंड डाइवर्जन सर्टिफिकेट है, यदि ये कस्टमर वापस नहीं करता तो हम लोग ब्रांच में उसको इसका गाइडेंस देते हैं कि वो इसको पूर्ण कर ले, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के तो ब्रांच को भी करना मुश्किल हो जाता है काम। और हम लोग भी चाहते हैं कि यदि किसी तरह का भी लोन्स कर रहे हैं तो हम लोग छाट करके लोन से, क्योंकि ये पैसा सरकार का है। और सर, नगर पालिका के कर्मचारी या जो अधिकारी वो तक परेशान हो जाते हैं, ये आपने अभी मीटिंग में भी आपने पाया होगा, ये रहता है। लेकिन हम लोग इसीलिए BLBC क्वार्टर में बैठक करते रहते हैं और इस कठिनाइयों को दूर करने के साथ इस चैलेंजेस को फेस करते हैं और इस कठिनाइयों को दूर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, ये बैठक में किन अधिकारी कर्मचारियों का होना अनिवार्य रहता है? इसमें इस बैठक की अध्यक्षता हमारे माध्यम से, यानी अग्रणी जिला बैंक से मैं पधारा हूँ, मेरा LDO संदीप अग्रवाल, और मेरी अध्यक्षता में ये बैठक होती है। इस बैठक में बेसिकली LDM ऑफिस की तरफ से मैं और बैंकर्स रहते हैं, बाकी जो विभाग रहता है जैसे कि हमारा नगर पालिका विभाग है, हमारा पशुपालन विभाग है, हमारा अंतसाई विभाग है, ट्राइबल वेलफेयर विभाग है, इस तरह के विभाग रहते हैं और ये विभागों के माध्यम से हम लोग समस्या सुलझाते हैं।